हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुमार और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कैमोरी टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ वन प्लस की तरफ से आने वाले सबसे लेटेस्ट फ़ोन वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो को। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में उसी टॉपिक को सिलेक्ट किया हूँ जो कि मेजर डिफरेंस है वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो के बीच में। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं किस किस टॉपिक को इसमें कवर करूँगा। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा डायमेंशन का, दूसरा होगा डिस्प्ले का, प्रोसेसर का या उसको परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस आएगा उसका हम करेंगे। फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कैमरा का। तो दोस्तों, बात करते हैं डायमेंशन की। तो जहां पर वन प्लस एट की जो हाइट है वह 160.2 mm और वन प्लस एट प्रो की जो हाइट है वह है 165.3 mm। वहीं बात करते हैं विड्थ की, तो विड्थ है 72.9 mm जबकि वन प्लस एट प्रो की है 74.3 mm। थिकनेस जहाँ पर वन प्लस एट की है 8 mm, वहीं है वन प्लस एट प्रो की 8.5 mm, यानी कि वन प्लस एट प्रो थोड़ा सा मोटा भी होगा वन प्लस एट के मुकाबले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की। तो वन प्लस एट की जो डिस्प्ले की साइज है वह है 6.55 inches का, जबकि वहीं पर है वन प्लस एट प्रो का 6.78 inches का। दोस्तों, यहाँ रेजोल्यूशन में भी बदलाव है। तो जैसे वन प्लस एट की जो रेजोल्यूशन है वह है 1080x2400 pixels जबकि वन प्लस एट प्रो की है 3168x1440 pixels। और यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी में भी दोस्तों बदलाव किया गया है, जो कि है वन प्लस एट की 402 ppi और वहीं पर है वन प्लस एट प्रो की 513 ppi। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों फ़ोन में प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर जो है दोनों में सेम है, ऑक्सीजन OS है जो कि एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है। CPU भी दोनों का सेम मिलता है, स्नैपड्रैगन 865 आपको वन प्लस एट में मिलेगा और वन प्लस एट प्रो में मिलेगा, यानी कि आपको परफॉर्मेंस में कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रैम जो है, रैम में बदलाव किया गया है जो कि वन प्लस एट में है LPDDR4X और वहीं पर है वन प्लस एट प्रो में LPDDR5, यानी कि एक जनरेशन अप है। तो आपको रैम मैनेजमेंट वन प्लस एट प्रो में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा यहाँ पर। और बात करते हैं अब रैम कैपेसिटी की। तो यहाँ पर 8 GB और 12 GB की ऑप्शन जो है वो दोनों फ़ोन में आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी जो है वन प्लस एट में आपको 4300 mAh की मिलती है और उसके साथ ही 30 W की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। वन प्लस एट प्रो में बैटरी जो आपको मिलती है वह है 4510 mAh की और यह 30 W फास्ट चार्जिंग के साथ साथ 30 W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ पर चार्जिंग टेक्नोलॉजी में भी आपको डिफरेंस बड़ा देखने को मिलेगा, जो कि है वन प्लस एट में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी लेकिन वन प्लस एट प्रो में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और वो भी काफ़ी फास्ट मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं अब कैमरे की। तो वन प्लस एट में आपको मिलता है 3 कैमरा का सेटअप, वहीं पर वन प्लस एट प्रो मिलता है आपको 4 कैमरा का सेटअप। वन प्लस एट में आपको मिलता है 48 MP का मेन कैमरा जो कि है सोनी की तरफ से आने वाला IMX586 और वहीं पर है वन प्लस एट प्रो में IMX689, यानी कि आपको वन प्लस एट प्रो में मेन कैमरा का परफॉर्मेंस वन प्लस एट के मुकाबले काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। और वहीं पर बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरे की। तो वन प्लस एट में आपको मिलता है 16 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, वहीं पर वन प्लस एट प्रो मिलता है आपको 48 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, यानी कि अल्ट्रा वाइड कैमरे में के मामले में भी आपको वन प्लस एट प्रो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं माइक्रो लेंस। तो यहाँ पर माइक्रो लेंस सिर्फ आपको मिलेगा वन प्लस एट में, वो भी सिर्फ 2 MP का, लेकिन वन प्लस एट प्रो में वहीं पर आपको मिलेगा टेलीफोटो लेंस 8 MP का जो कि 3x हाइब्रिड जूम आपको देगा, लेकिन वन प्लस एट में यह कैमरा आपको नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों, चौथा कैमरा जो है वह कलर फिल्टर लेंस जो कि है 5 MP का, जो कि वन प्लस एट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो दोनों में ही फ्रंट कैमरा सेम देखने को मिलता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।